बस बेटा बातें नहीं बिल्कुल भी। देखो फिलहाल फिलहाल बुक सामने रखो, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम लोग हमेशा शैतानियां करते हो कि बुक ला रहा है कोई नहीं ला, सब क्वेश्चन सामने देख के चलो आप, ठीक है। सो देखो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है यहाँ पे, अ मैन ऑफ मास 70 केजी स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट। भाई क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप लोगों को मास कितना दिया गया है बेटा यहाँ पे, इट इज 70 केजी। पहला केस आप लोगों से क्या कहता है, इट इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। भाई यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने का मतलब हुआ स्पीड क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। अगर स्पीड कॉन्स्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, एंड एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो आर किसके बराबर होगा, जी। नाउ व्हाट इज एम, 70, व्हाट इज जी, 10। तो आपका वेइंग स्केल पर रीडिंग कितनी आ जाएगी, 700 न्यूटन। पहला पॉइंट हो जाएगा सबका, कर सकते हैं अच्छे से। चलिए सेकंड पर आइए, कहता है डाउनवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ कितना, समझो ध्यान से भाई, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। याद करो जब डाउनवर्ड मोशन का हमने ऐसा कुछ करा कि भाई वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन होगा अपवर्ड क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन कैसे जल्दी आ जाएगा, एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही होगी नीचे की तरफ। अगर हमारी लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है इसका मतलब mg मस्ट बी ग्रेटर देन, तो हम लोगों ने एफ नेट को नेट फोर्स को कितना लिखा होगा, mg माइनस व्हाट विल बी एफ नेट, ma इज इक्वल टू mg माइनस, इन दैट केस r विल बी इक्वल टू हाउ मच, mg माइनस ma। तो r कितना बना हमारे पास, mg माइनस, ये केस हमने सॉल्व कर रखा है पहले भी, जस्ट सब्स्टिट्यूट द रीडिंग, मास कितना 70, जी कितना 10, ए कितना 5, कितना बन गया 70 × 5। सॉल्व आउट करा और आंसर आ गया इतने न्यूटन्स, कर सकते हैं या नहीं, पक्का हो जाएगा। अगला पॉइंट देखो, कहता है अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच, अभी कैसे मूव कर रहा था नीचे, अब हमें लिफ्ट को कैसे लेके जाना है अपवर्ड डायरेक्शन में, जल्दी सेटल हो जाए बेटा, अभी भी धीरे धीरे आ रहा है आराम से एकदम। देखो भाई ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन अगर हमारी लिफ्ट कैसे जा रही हो, ऊपर की तरफ जा रही हो, सो इन दिस केस इस पर्सन का वेट लगा नीचे, रिएक्शन लगा ऊपर, और एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुई, अपवर्ड डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है इसका मतलब आर इज ग्रेटर देन, तो बेटा व्हाट अबाउट एफ नेट, आर माइनस एम जी, और इस एफ नेट को क्या करोगे, एम ए, आर माइनस जी, तो आर किसके बराबर आ गया हमारे पास, एम। देखो सुनो इसे यहां लाओगे, एम कॉमन और कितना हो गया, ए प्लस जी, आपके पास सारी वैल्यूज है, व्हाट इज एम 70, व्हाट इज ए 10, सॉरी ए इज 5, एंड व्हाट इज जी 10, सॉल्व आउट करके इतने न्यूटन, कर सकते हैं या नहीं, हो जाएगा। कार्तिक खड़ा हो बेटा, इधर आ गया, जल्दी आ जा फटाफट, आ गया जल्दी आ। तो पहले तीन केस हो जाएंगे सबके, श्या अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कहता है व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द मैकेनिज्म फेल्ड। भाई हमारे नई रीडिंग क्या होगी अगर वो लिफ्ट वाला पूरा मैकेनिज्म क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब सुने ध्यान से, अगर ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन दिस लिफ्ट mechanism fails, अगर lift mechanism fail हुआ इसका मतलब क्या है, this must be falling
फ्री फॉल कर रही है तो ए किसके बराबर आ गया? पॉजिटिव जी। थैंक यू। ठीक, ए किसके बराबर आ गया? पॉजिटिव जी के। नाउ ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन आर किसके बराबर बना था? एम एंड जी माइनस ए। सो व्हाट विल बी आर? एम, जी और ए की जगह क्या आया? तो बेटा आर कितना हो गया? If you remember, this is what? Weightlessness. आया आप सभी को? कर पाएंगे अच्छे से? तो सिंपल सी बात है, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाहते हो तो सिंपली अपना कौन सा वाला टॉपिक प्रिपेयर कर लो, apparent weight of a man in a, हो जाएगा अच्छे से? श्योर? कोई दिक्कत क्वेश्चन में? चलिए अगली प्रॉब्लम पर आइए। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक ग्राफ दिया जाएगा, इस एक्सिस पर है टाइम सेकंड्स में और इस एक्सिस पर है पोजीशन मीटर्स में। इस तरीके से बेटा हम लोगों को क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है और रीडिंग्स है 0, 4 and 3 इस तरीके से। अब उसने हम लोगों से क्या डिमांड करा है, ध्यान से देखो बेटा सभी। क्वेश्चन का जो ए पार्ट है कहता है फोर्स बताओ इफ टी इज लेस देन 0। हमें कब बात करनी है? टी लेस देन 0। आप ध्यान से देखो आपके ग्राफ का ये हिस्सा, ये वाला पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग टी लेस देन 0 और नॉट। भाई टी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? पोजीशन से पीछे। और ये हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेस देन 0 वाला पार्ट, पोजीशन से पीछे वाला हिस्सा। अगर आप इस हिस्से को ऑब्जर्व करो तो एक चीज साफ नजर आ रही है, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में अक्षर, नेक्स्ट टाइम यू विल बी आउट, ध्यान रखना, ठीक है? सो अब इस हिस्से में क्या पता लग रहा है हमें कि टाइम तो चेंज हो रहा है पर पोजीशन में कोई चेंज, पोजीशन कंसिस्टेंट क्या चल रही है? 0। मतलब पोजीशन में कोई चेंज? And when there is no change in position, this means the body is at rest. जो body है वो कैसे है? Rest पर है। अगर body rest पर है, इसका मतलब क्या हुआ? The forces are balanced. Force क्या हो गए? Balance हो गए। अगर force balance हो गए हैं बाबू, then what will be the net force? भाई फोर्स बैलेंस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट वाला फोर्स राइट के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, तो नेट फोर्स कितना जाएगा तुम्हारा? 0। केस क्लियर हुआ? श्योर। अब जरा टी ग्रेटर देन 4 सेकंड वाले को देखो ग्राफ के अंदर। फॉर टी ग्रेटर देन 4 सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से अगर ऑब्जर्व किया जाए, 4 सेकंड पे आपके पास पोजीशन कितनी है? 3 आए ना। अगर आप ध्यान से देखें 4 सेकंड पे पोजीशन कितनी मैच हो रही है? 3 मीटर मैच हो रही है। 4 सेकंड के बाद भी कितनी है? इसका मतलब इफ टाइम इज ग्रेटर देन 4 सेकंड अगेन देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में कोई बदलाव? पूरा पॉइंट फिर से ही आ गया। इसका मतलब व्हाट अबाउट नेट फोर्स? 0। क्लियर हुआ या नहीं? समझ आया अच्छे से? पक्का? अब चलो अगले हिस्से पर। टाइम 0 से ज्यादा पर 4 सेकंड से छोटा। Oh,
ये वाला हिस्सा होगा, कि टाइम जीरो से तो बड़ा है पर चार सेकंड से छोटा है। आप ध्यान से देखो, इस पोर्शन के लिए फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इक्वल टू फोर सेकेंड, समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, जीरो से लेकर के चार सेकंड के बीच में आप जितने भी टाइम इंटरवल्स पकड़ते हो, उन सभी टाइम इंटरवल्स पर आपका एंगल कांस्टेंट है या नहीं है। थीटा लगातार सेम जाएगा, इफ इट इज 45 डिग्री थ्रू आउट कितना, इफ इट इज 60 थ्रू आउट कितना, हाँ या ना, ठीक। अब थीटा हमारा क्या चल रहा है, कांस्टेंट। हमने पकड़ लिया स्लोप को, स्लोप क्या होगा भाई, हमने स्लोप पकड़ा किस ग्राफ का, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, और थीटा क्या है, तो बाबू वेलोसिटी भी क्या होगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन, एंड हम जानते हैं फोर्स बराबर, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन द फोर्स विल आल्सो बी, तो तीनों सिचुएशन में फोर्स हमारा क्या जा रहा है, दो सिचुएशन में तो रीजन सेम है, तीसरी में थोड़ा सा अलग होगा, कर सकते हो अच्छे से, पक्का श्योर है। आइए अगले हिस्से की तरफ बेटा, और ध्यान से देखो, कहता है इंपल्स निकालना है कब, एट टी इक्वल्स जब तुम्हें इंपल्स निकालना है, तो इंपल्स को याद करो हम लोगों ने क्या लिखा था, चेंज इन मोमेंटम, ओके, सो इंपल्स विल बी पी फाइनल माइनस पी, दिस इज एम वी माइनस यू, ओके, व्हाट इज एम, इट इज फोर। अब सुनो, एट जीरो ये क्या होगा, इनिशियल, तो मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, जीरो के बाद जो होगा वो क्या होगा, फाइनल, जीरो के बाद ये स्लोप जा रही है, एंड स्लोप गिव्स अस व्हाट, वेलोसिटी, तो स्लोप क्या होगी, टैन थीटा, टैन थीटा विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर, दैट इज थ्री, एंड बेस दैट इज फोर, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा, थ्री बाय फोर, तो ये हो गया फोर इंटू थ्री बाय फोर, कैंसिल करा और कितना आ गया, 3 किलोग्राम मीटर पर, तो ये इंपल्स है कहां, जीरो। अब तुम्हें कहां निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से, अगर तुम 4 सेकंड पे बात करते हो तो जो यहां फाइनल है अब वो क्या हो जाएगी, और इससे आगे तो बॉडी रेस्ट में, तो अब तुम्हारी फाइनल क्या हो जाएगी, तो जो यहाँ 3 बाय 4 माइनस 0 है, अब वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 बाय 4, आंसर पूरा यही आएगा, बट पॉजिटिव की जगह किसमें आएगा, कर सकते हो यार, पक्का हो जाएगी पिछली प्रॉब्लम्स, श्योर है, तो फिर देखो बेटा अगला पॉइंट, रीड इट प्रॉपरली और सोचो क्या करोगे इसमें, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, सोचो कि कैसे किया जाएगा, रिजिड सपोर्ट से हम लोगों ने बॉडी को सस्पेंड किया, बॉडी का मास है, ये क्या लगी, ये क्या लगा, पक्का तुमने टेंशन को किसके बराबर लिखा था,
हाँ या ना, लिखा हुआ ना। यहां से हमें एक चीज ये समझ में आ रही है कि टेंशन जो कि इस मास से जुड़ी हुई रस्सी में लग रही है वो किसके बराबर है, इस मास पे लग रहे फोर्स के। रिपीट करें, इस फिगर से क्या नजर आ रहा है कि इस रस्सी में जो टेंशन बनी वो किसके बराबर है, इस मास पे लगने वाले फोर्स के। और इस मास पे फोर्स कौन सा था, वेट, जो कि क्या था, mg। तो हमने टेंशन को किसके बराबर कर दिया, तो मैं इस फिगर से जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने ये लिखा था तो इस फिगर से इस कंटेक्स्ट को पकड़ना था कि ये जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है। आई बात समझ में? अब यहां कैसे लगेगा समझना ध्यान से, अब कोई दिक्कत नहीं है अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ये तुम्हारे पास एक फ्लोर, इस फ्लोर पे तुम्हारे पास है दो ब्लॉक्स ए और बी, इन दोनों को हम लोगों ने एक रस्सी से बांधा हुआ है, ठीक। एक बार ए की तरफ से खींचते और एक बार बी की तरफ से, ठीक है, दोनों में आंसर अलग अलग आएंगे हमारे। हमने इसे खींचा ए की तरफ से, कितने न्यूटन का फोर्स लगा, ये फोर्स हम ए की तरफ से लगा रहे ना, मतलब ए को तो पकड़ के खींच रहे, तो टेंशन किस में बनी, बी में। टेंशन इस रस्सी में बनी थी जो कि किससे अटैच थी, इस मास से, किसके बराबर हुई, इस पे लगने वाले फोर्स के। ये रस्सी किससे जुड़ी है, बी से, तो टेंशन किसके बराबर हुई, इस पे लगने वाले फोर्स के। इस पे लगने वाला फोर्स ऐसे लग रहा है पर ये दोनों पे लग रहा है, हमें सिर्फ किसको पकड़ना है, पहले, अभी वो तो बात की बात है, पहले बताओ ये हिस्सा समझ आया। रिपीट, अपन लोगों ने ए वाली साइड से खींचा, इस रस्सी में टेंशन लग रही और ये रस्सी आगे किससे जुड़ी हुई है, बी से, तो इस रस्सी में बनने वाली टेंशन, यहां पे देखना इसी के साथ कनेक्ट करना है, इस रस्सी में बनने वाली टेंशन किसके बराबर होगी, उस मास पे लगने वाले फोर्स के जो कि उससे जुड़ा हुआ। हमने बना दिया कि भाई इस पे लगने वाले फोर्स के बराबर, तो मैंने लिख दिया टेंशन विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑन बी, और फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, किसका फोर्स, बी का, तो मास ऑफ बी इनटू एक्सेलरेशन, तो दोनों में सेम बने या नहीं। अब दोनों में जो एक्सेलरेशन बन रही है, हम लोग जानते हैं ना एफ नेट इज इक्वल टू एम नेट इनटू ए नेट, तो एफ नेट कितना है 600, टोटल मास, ए का मास कितना 10 किलो और बी का मास कितना 20 किलो, तो टोटल मास कितना 30 इनटू नेट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हां ना, उठा के यहां रखा, What is the mass of B? 20. And what is the acceleration? 20. So in this case, the tension produced in this particular string or the thread will be how much? 400. Aaya sir? Let's have it one more time. Dobara sir. Ye raha humara system. Ye rakha hai humara mass A. Ye rahi rassi. और ये रखा है हमारा मास बी, और हमने यहां से 600 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा। अब हमने फोर्स किस तरफ से लगाया, तो बी को तो हमने ही पकड़ रखा है, टेंशन बनी इस रस्सी में, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये टेंशन बनी इस रस्सी में जो कि किसके बराबर, इस मास पे लग रहे फोर्स के बराबर, तो टेंशन बनी इस रस्सी में किस पे बराबर, इसके साथ अटैच्ड मास पे लग रहे फोर्स के बराबर। आई बात समझ में? नाउ टेंशन इज इक्वल टू द फोर्स ऑन ए, तो फोर्स ऑन ए इज मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन, व्हाट इज द मास,
10. What is acceleration? 20. Answer will be, अब सुनो, दोनों की मिला के किसके बराबर आनी चाहिए? 600 से कम आई तो गलत, 600 से ज्यादा आई तो भी एड ऑन करके पूरा एग्जैक्ट बन रहा है, मतलब अपना कंसेप्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? कर पाएंगे? पेपर में इतना आसान नहीं आएगा। ये जो अभी हमने करा, ये जो हमने सीखा, ये कंसेप्ट पकड़ने का पॉइंट है, ठीक है? अभी जब कल मुलाकात करेंगे ना, तो विल हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस अदर देन एनसीईआरटी, जिसमें कि हम ये सीख लेंगे कि ये जो जड़ थी, इससे पूरा जो पेड़ खड़ा करना है हमें क्वेश्चन का, वो करना कैसे है, ये ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। कर पाओगे प्रॉपरली? गड़बड़ तो नहीं करेगा कोई इसमें? श्योर है? चले आगे। लो तो फिर अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कर रखा है, अब देखो, अगर हम लोग ना प्रैक्टिस करके रखे हैं रिडल में, तो हमारा टाइम बहुत बच जाए। कैसे बचेगा? देखो, हमें बोला फाइंड द, तो अपने को याद है फॉर्मूला, a इज m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस। अब मैंने जो ये फॉर्मूला लिखा, मैं ये सोच करके लिख रहा हूँ कि मैंने जब इसे समझा होगा तो मैंने m1 को बड़ा रखा होगा विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है? और फिर क्या निकाली? तो व्हाट इज द टेंशन? इट इज 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस, हमारे ये फॉर्मूला। एंड व्हाट वाज द कांसेप्ट? लेट्स हैव अ रीकैप। ये आपका था रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट से ये थी एक फ्रिक्शनलेस पुली, और इस फ्रिक्शनलेस पुली पे हमने एक रोप को माउंट किया इस तरीके से, और इस रोप पे हमने दो मासेस सस्पेंड कर लिए ऐसे। अभी फिलहाल ये वाला मास नीचे, मतलब ये वाला हैवी, तो हमने किसको हैवी रखा हुआ? M1। तो ये हुआ M1 और ये हुआ M2। तो हमने करा होगा M1g और ये करा होगा M2g। ये लगी टेंशन T, ये लगी टेंशन, इसमें एक्सेलरेशन नीचे, इसमें एक्सेलरेशन, तो हमने तैयार करी होगी इक्वेशन किसके लिए? हमने करी होगी तैयार किसके लिए? फॉर M1। जब तुमने M1 के लिए करी, तो देखो नीचे आ रहा है तो ये बड़ा, तो क्या लिखा होगा आप लोगों ने? F net equal M1g minus, इसकी जगह क्या करा? M1a M1g minus, तो T किसके बराबर आया? M1g minus M1। ये किसके लिए तैयार करी? M1 के लिए। फिर इसी तरीके से किसके लिए करी होगी? M2 कहा जा रहा है ऊपर, तो कौन बड़ा? T। तो आपने क्या लिखा होगा? F net is equal to T minus M2g। और आपके पास क्या बना होगा यहां से? M2a is equal to T minus, तो what will be T? M2a plus M2। और जैसे ही आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, आपने दोनों को करा होगा इक्वेट, एक्सेलरेशन बनी होगी और टेंशन। अब मान लो तुम्हें वहां ये फॉर्मूले ध्यान नहीं है, और तुम्हें पूरा ऐसे करके कितना टाइम लगेगा खुद सोचो, गड़बड़ हो जाएगा। इट्स मच बेटर डू द प्रैक्टिस मेमोराइज द रिलेशन सो दैट तुम डायरेक्ट लगा सके। आए समझ? अब ध्यान से देख लो, दोनों मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, पुट अप करेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा, सारी रीडिंग से रिलेटेड, सो दिस इज गोइंग टू बी 96 न्यूटन। जब सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा? 96 न्यूटन। इसे सॉल्व आउट करेंगे कितना आएगा? तो आप देख लें, माइट बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का सब जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। श्योर? चले आगे, देखिएगा, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, कर सकते हैं सभी ध्यान से।
स्पर्श, क्वेश्चन सामने है तो ध्यान सामने होना चाहिए बाबू। अ न्यूक्लियस इज एट, जब हमारा न्यूक्लियस शुरुआती दौर में रेस्ट पर है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, विच मीन्स इसका इनिशियल मोमेंटम भी कितना होगा, जीरो होगा। कहता है डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, टूट गया दो छोटे हिस्सों में, ठीक। सो नाउ व्हाट अबाउट पी फाइनल, भाई दो हिस्से हैं तो क्या लिखोगे, एम वन वी वन प्लस एम टू, और वो कह रहा है प्रूव करने के लिए इट मूव्स इन डायरेक्शन की बात आ, अगर डायरेक्शन की बात आ गई तो हमें शुरुआत से ही क्या लेके चलना पड़ेगा, वेक्टर लेके चलना पड़ेगा, ठीक। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। तुमने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी अच्छे से या नहीं पढ़ी, ये बताओ। अगर पढ़ी तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पूरी स्टेटमेंट में कहीं ऐसा कुछ बोल रहा है कि भैया तुमने फोर्स लगाया है, there is no external force ना, ठीक। तो याद करो जरा आप लोग, when there is no external force, जब कोई external force नहीं है, the momentum remains conserved. If it is conserved, then p initial must be equal to p. और अगर देखा जाए तो what is initial, zero. What is final, m1 v1 plus m2 v2. Now shift कर देते किसी एक को जो आपका मन करे, तो माइनस एम टू वी टू, तो यहां से वी वन को क्या लिखोगे, माइनस एम टू वी टू डिवाइडेड बाय, और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि टू फ्रेगमेंट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ईमानदारी से बताओ, ये कर रखा है उसमें, करा तो है हमने गन वाली फॉर्म में, करा बुलेट एंड गन वाला सिचुएशन, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, द गन रिसीव्स अ बैकवर्ड जंप, आया अब यहां उसने किसकी फॉर्म में पूछ लिया वही चीज, न्यूक्लियस वाली फॉर्म। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल भी करा है, अ मास ऑफ 1 केजी ब्रेक्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 1 is to 1 is to 3. The two fragments with equal mass are moving at 90 degree to each other. Then find out the velocity of the heavier fragments. और जब हमने solve out किया था तो heavier fragment की velocity negative आई थी, जिससे कि हमें पता लगा था कि जो तीसरा fragment है वो opposite है। तो चीज नहीं नहीं है, उसने पूछने के तरीके को बदल दिया है। समझ आया अच्छे से? पक्का? Sure? Attentive? ठीक? चलो अगला क्वेश्चन, जहां तक मुझे ध्यान है ये भी कर रखा है। कुछ याद या नहीं? देखो अगर अभी तुम लोग घर पे बैठे होते, ठीक, तो तुम्हें जरा भी नींद नहीं आ रही होती। यू मस्ट बी हैविंग योर फोन इन योर हैंड एंड यू मस्ट बी स्क्रॉलिंग ऑन योर सोशल मीडिया, हां एक्टिव होते बहुत ज्यादा, लेजीनेस नहीं होती तुम्हारे शरीर में और तुम्हारे दिमाग में, है ना। सो कीप दैट एनर्जी अलाइव, उस एनर्जी को जिंदा रखो, घर जाते हुए भले बेहोश हो जाओ, और जिस एनर्जी के साथ घर पे बैठ के भी समय व्यर्थ कर रहे होते उस एनर्जी के साथ दिमाग को चलाओ क्वेश्चंस के लिए, समझे, काम आएगा ही आएगा। वो जो तुम सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करोगे ना, उसमें देख रहे होगे वो डिंचर पूजा वगैरह जो भी है, वो कहीं काम नहीं आएगा, ध्यान रखो इस चीज। मैं भी करता हूँ अपने स्पेयर टाइम में, मैं मना नहीं करता, बट आप लोगों के लिए भी वो हानिकारक, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए हो सकता है। प्लीज पढ़ा तुमने, व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू ईच बॉडी टू अदर, सिंपल, मान लो तुम हो और नम्रता है, तुम दोनों की खोपड़ियां आपस में टकरा
रही हैं, तो नम्रता की खोपड़ी तुम्हें कुछ इम्पैक्ट देगी, तो तुम्हारी खोपड़ी क्या कहेगी कि नहीं नम्रता, तू मेरी बहुत परम धर्म मित्र है, मैं तुझे कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, कुदरत का नियम है, अगर उसने तुम्हें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिया तो इन रिटर्न तुम भी तो दोगे। वही अंग्रेजी में लिखा है, इम्पार्टेड टू ईच बॉय ड्यू टू अदर। बचपन से तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी है ये, और अभी से मैं धप्पा कर दिया यहाँ के साथ। चलो अब देखो, याद दिलाते हैं आप लोगों को, सुनिएगा देखिएगा सामने। एक रिजिड सपोर्ट, एक बॉडी विद द मास एम, भागते हुए आती है और टकराती है विद द वेलोसिटी एंड रीबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी। रीबाउंड्स, सेम रास्ता फॉलो करके वापस, तो क्या लगाना पड़ेगा? तो ये कौन इनिशियल, ये कौन, क्या निकालना है? आया कुछ यार? इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। व्हाट्स द रीजन? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। आया? नाउ व्हाट विल बी द इंपल्स? दैट पी फाइनल माइनस पी, सो इंपल्स दिस इज व्हाट, एम वी फाइनल माइनस एम वी। Now m, what is v final? Minus v, minus what is v initial? V, and that gives you how much? Minus 2mv. Now replace the value 2 into what is the mass? 0.05, and what is the velocity? 6. अगर आप इसे solve out कर लें तो इतने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपके पास इंपल्स आ सकता है। नोट्स कंप्लीट है, अपडेटेड है, देखिएगा आपको ये पूरा कैलकुलेशन आपको बता रखा है, सिखाया हुआ है आप लोगों को। आया समझो? क्लियर हुआ अच्छे से? श्योर? चले आगे, अगला क्वेश्चन और खूबसूरत है। A shell of mass, shell बोले तो bullet, ठीक है? A bullet of mass इतने किलोग्राम is fired by a gun of mass इतना, if the muzzle speed, अब इससे घबराना नहीं है, muzzle speed, ठीक है? जो bullet है वो सीधे नहीं जाती, bullet ऐसे घूमते हुए जाती है, अपने axis में भी घूमती है और ऐसे सीधे भी जाती है, इस वजह से उसे क्या कहा जाता है? muzzle speed कहते हैं। तो आप लोगों से बोल रहा है, what is the recoil speed of gun? अब देखो, पहली बात तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्टली, that recoil speed of gun is minus mg vg divide, ये गलत कर दिया, इधर बुलेट आएगा मेरा, minus mv vv divided by m। पर कैसे? देखो, आपने लगाया conservation of momentum, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से पी इनिशियल शुड बी इक्वल टू व्हाट? पी भाई इनिशियली बुलेट रेस्ट पे और गन भी रेस्ट पे, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? जीरो। एंड व्हाट अबाउट फाइनल मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। आपने ये चीज कर दी, ठीक है भाई, यहां से इसे शिफ्ट करा तो कितना हो गया? mg vg is equal to minus mb vb, तो हमें क्या निकालना है? vg, तो किसके बराबर हो गया? minus of mb vb divided by, हो जाएगा ठीक। नाउ वैल्यूज देख लो एक बार, माइनस mb मास ऑफ द बुलेट कितना? 0.020 इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना? 80 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन कितना? 100। सॉल्व आउट करके नेगेटिव में इतने मीटर पर सेकेंड हो जाएगा या नहीं? और नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा हूं रिक्वायर्ड कि गन रिसीव्स अ बैकवर्ड जंप, हो जाएगा बेटा।
पक्का? अगला और भी खूबसूरत क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और फिगर बनाने की कोशिश करो। ये भी कर रखा है, सभी कमान जल्दी से और इसमें कॉम्पोनेंट्स और वेक्टर वाला आंसर बनाना पड़ेगा आपको, रिजोल्यूशन और वेक्टर। आओ साथ में बेटा, देखो ये ले लेते हैं हम लोग बैक की सर्विस, ठीक है। अभी आपको पूरी फिगर पूरा कंसेप्ट थोड़ा सा याद आएगा जो क्लास में अटेंटिव रहते हैं उन बच्चों के लिए। वेलोसिटी भी, वेलोसिटी आया कुछ पूरा है ऑप्शन कैलकुलेशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिवाइड हो जाएगा, दोबारा समझ लो ध्यान से कैसे करना है, ठीक है भाई। ये आपका कोण है इनिशियल और ये कोण है फाइनल। सुनिएगा सब ध्यान से, क्वेश्चन में बोला ये पूरा एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना होगा 22.5 और ये भी कितना होगा 22.5। हम ले लेते हैं कितना आखिरी में जाके थीटा की जगह कितना डाल देंगे 22.5। अब या तो होगा साइन 22.5 और या फिर होगा कॉस। If it is sine 22.5, it is approximate to 0.38. कितना होता है 0.38। And if it is cos 22.5, it is approximate to 0.92। इनको फिलहाल ध्यान रखना, ठीक। अब इससे हट जाओ, साइड हो जाओ, फिगर पे आओ मेन अपनी और देखो ध्यान से भाई ये फाइनल वेलोसिटी कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। तो हमने इसके कंपोनेंट बनाए, ये क्या बना v साइन थीटा एंड माइनस j कैप क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस। तो ये वैल्यू किसकी आई, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और फिर इसी का दूसरा कॉम्पोनेंट ये का कितना v cos थीटा माइनस आई कैप। तो बेटा जी ये वैल्यू किसकी आई, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्सिस हो जाए। अब हम चलते हैं
अपने इस हिस्से की ओर। तो कंसेप्ट सीखा हुआ है हमने कि अगर वेक्टर पॉइंट की तरफ लगे तो नहीं बना सकते रिजोल्यूशन, कैसे करना चाहिए, पॉइंट से बाहर करना चाहिए। तो हमने अपने इस वेलोसिटी वेक्टर को यहां प्रोड्यूस कर दिया, ये वाला वेलोसिटी, ठीक, जो कि यहां से कितने एंगल पर रही, सेम थीटा। तो आपने इस वेलोसिटी के दैट इज इनिशियल कंपोनेंट बनाया, कितना रहेगा v cos थीटा पॉजिटिव। तो बेटा ये कौन है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, और फिर इसका बनाया कौन सा कंपोनेंट, v sin थीटा माइनस j कैप। और बेटा जी ये कौन है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग, अपने नोट्स में ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा डिट्टो पूरा का पूरा ऐसे। समझ आई बात। अब क्वेश्चन की डिमांड थी कि भाई क्या निकाल के दो इंपल्स, भाई हम जानते हैं इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन, भाई एक होगा एक्स एक्सिस पे और एक होगा, तो दोनों निकालने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने पकड़ लिया सबसे पहले किसे, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इंपल्स अलोंग एक्स विल बी चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स। नाउ दिस विल बी पी फाइनल अलोंग एक्स माइनस पी इनिशियल, भाई चेंज को क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस, सो पी फाइनल एक्स माइनस पी इनिशियल एक्स। अब इससे आगे क्या होगा, एम v final x minus mv initial x, m common, और ये बना v final x minus v initial x, m ढूंढो where is v final x, ये रहा minus v cos theta, i cap तो वन होगा तो हम कितना रखेंगे minus v cos theta, ये रख दिया हमने minus v cos theta minus initial along x, ये रहा इट इज v cos theta, सॉल्व आउट किया कितना बना माइनस टू एम वी, टू एम वी cos theta। नाउ माइनस टू व्हाट इज द मास, इट इज 0.15। व्हाट इज द वेलोसिटी, 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड से करेंगे 5/18 दैट इज 15, ये बन गई 15। And what is cos theta? 0.92। Solve out करके इतने किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये कहाँ आया? X as it is। Similarly हम किसके लिए करेंगे? Y। क्या लिखेंगे? Delta p y। क्या लिखेंगे? M v final y माइनस वी इनिशियल, पुटअप करोगे आंसर कितना है, जीरो हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन वो नहीं था कि आप लोगों को सिखाया ना गया हो, कराया हुआ था आप लोगों को, और फिर भी तुम लोग फंस रहे हैं, फिगर गलत उल्टी सीधी फिगर बना रहे हैं, हो जाएगा भी अच्छे से, पक्की बात है। चलो तो फिर आगे आओ, अगेन एन इम्पोर्टेंट एंड एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, पूरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, पूरा का पूरा अच्छे से रीड करेंगे। पहले ये बताओ जितने क्वेश्चन अभी तक करे क्या वो सारे क्लियर हुए अच्छे से, हमें प्रॉपरली क्लियर है, श्योर अनुज तो बताओ कैसे करोगे, यार ये चीटिंग है। चलो क्वेश्चन को पहले ठीक करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा दिया हुआ है हम लोगों को, कहता है एक पत्थर है जिसका मास है 0.25 kg, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं,
इज व्हील्ड अराउंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत शुरू विद अ स्पीड, वो कह क्या रहा है स्पीड, मतलब आपसे बात जो कर रहा है वो स्पीड की कर रहा है, ठीक। और आपको दे क्या रहा है फ्रीक्वेंसी, रिवॉल्यूशन पर मिनट, नंबर ऑफ साइकल्स पर यूनिट टाइम। रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइकल्स पर यूनिट टाइम। ये स्पीड थोड़ी होती है, ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब इस्तेमाल तो तेरा ही है पर तू है नहीं, यूज स्पीड ही करनी है पर दे नहीं रहा हम स्पीड, दे क्या रहा है फ्रीक्वेंसी, मतलब यही से निकलेगी, है ना। अब दूसरी चीज भाई, कैसे घुमाया सर्कुलर पाथ में, तो लीनियर स्पीड तो होगी, कैसी होगी एंगुलर, पकड़ते इसको। सो ये हमें क्या दी गई है फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है और वो भी कितनी 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो फ्रीक्वेंसी कितनी 40/60 रिवॉल्यूशन पर आयन, क्लियर है। मैसेज करना कि ये है, ये कर लूं या ना करूं, कसम से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैसेज में से घुस के तुम्हारा मुंह पकड़ के रहते चमका दे। अभी यहां ध्यान देंगे, ठीक है, इसको रिजॉल्व करेंगे और कितना आएगा हमारे पास 2/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये क्या निकल गई फ्रीक्वेंसी, चाहिए क्या स्पीड, कौन सी एंगुलर। अब फॉर्मूला याद करो, एंगुलर स्पीड इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, भाई लीनियर स्पीड क्या होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर स्पीड क्या पड़ी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट पे कितनी 2π, थीटा की जगह तो 2π आ गया। एंड व्हाट इज 1/T फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो 1/T की जगह क्या रख दिया फ्रीक्वेंसी, तो तुम्हारा ओमेगा कितना आ गया 2π into what is this 2/3, then what is omega 4π/3 रेडियन पर। पहले तो हमने क्वेश्चन की रीडिंग को कंप्लीट करा, समझ आया। अब आगे चलो भाई, कैसे घुमाया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब ये हमारा एक पॉइंट हो गया इधर, फिक्स कर देते हैं, ये हमारा वो रस्सी हो गया हमारा धागा जिसका रेडियस कितना है r, और ये रहा वो मास m, और हमने इसे ये चक्र गिन्नी घुमा दी, ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, ठीक। तो जरा सोचिए टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या लगेगी, पर टुवर्ड्स द सेंटर क्या लगेगा, आया कुछ याद। इस परिस्थिति में ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा जिसने की क्या बनाई होगी, इसका मतलब मैं टेंशन को सीधा किसके बराबर ले सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो अगर हमने रिजॉल्व करने की कोशिश करी तो हम क्या लिखेंगे P is equal to centripetal force mass into centripetal acceleration। Centripetal acceleration के कितने फॉर्मूले, दो, एक v की टर्म्स में और एक ओमेगा की टर्म्स में, हम कौन सा लगाएं ओमेगा वाला। सो क्या लिखेंगे T is equal to m omega square, तो T will be what is m 0.25 into what is omega 4π/3 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज रेडियस 1. सॉल्व आउट करा और इतने न्यूटन हमारे पास क्या आ गई टेंशन, समझ आया पक्का श्योर। आगे चले पढ़ो, आगे क्या है कंडीशन, ध्यान से रीड करो बेटा। कहता है मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी अगर हम लोग उस धागे को जब घुमाएं तो वो मैक्सिमम कितना बर्दाश्त कर सके 200 न्यूटन, ठीक।
माइंड है एकदम, हम लोग जान चुके हैं कि टेंशन कहां से बन रही है, सेंट्रीपिटल से बन रही है। तो टेंशन बराबर सेंट्रीपिटल कितना होगा, मास इनटू दिस। तो अब की बार कौन सा फॉर्मूला, वी। सो क्या लगाएंगे, एम वी स्क्वायर बाय, तो टेंशन विल बी, सॉरी टेंशन तो हमें गिवन है कितनी 200, मास कितना है हमारा 0.25, वेलोसिटी का स्क्वायर और रेडियस कितना है 1. अब बताओ यहां से सॉल्व करके स्पीड कितने मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन लगा दो या नहीं लगा दो, पक्का समझ आया अभी तक की जितनी नो क्वेश्चंस करे अभी तक, नो के नो क्वेश्चंस निकलेंगे प्रॉपरली, गड़बड़ तो नहीं करेगा कोई इसमें, पक्का। आ जाओ बेटा आगे, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। जो हमने पिछली प्रॉब्लम पढ़ी उसमें कैसा मोशन है, सर्कुलर। तो सबसे पहले ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान अगर हमारे पास हमारा पार्टिकल या बॉडी ऐसे मूव कर रही हो तो उस पार्टिकल की, उस बॉडी की वेलोसिटी हर पॉइंट पे कैसे होती है, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल और नॉट, हमेशा टेंजेंशियल होती है। प्रश्न में उसने क्या बोला कि अगर वो रस्सी टूटी, अगर वो धागा टूटा, द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस परिस्थिति में कह रहा है अगर ऐसे घूम रहा है ये सेंटर, ये रहा हमारा पत्थर, अगर धागा टूटा तो हमारा स्टोन विल फ्लाई ऑफ रेडियली आउटवर्ड, मैच हो रहा है, हो गया गलत, समझ आई बात। पहले के गलत होने का कारण क्या है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल, और ये कैसे आया, रेडियली आउटवर्ड। तो पहली सिचुएशन बिल्कुल गलत हो, ऐसा सेकंड सिचुएशन पे चलो, द स्टोन फ्लाइज ऑफ, मैच हो रहा है, तो ये है बिल्कुल सही हो गया। तीसरा, स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल, देखिएगा ये धागा टूटा और स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल, इज इट करेक्ट, हमेशा कैसे जाएगा, टेंजेंशियल। तो ये परिस्थिति भी क्या होगी, बिल्कुल समझ आया, कर सकते हो अच्छे या नहीं, चले आगे। देखिए बेटा अगली प्रॉब्लम, सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट पहले समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ो समझो ध्यान से। मान लो अगर हम लोगों को वॉक करना है, हम चल रहे हैं, तो हम लोग जब चलते हैं मान लो बिगड़े हुए स्टिल है, जब हम वॉक करेंगे तो हमारा स्टेप ये आएगा, सो इज इट इंक्लाइंड और नॉट, कोई भी है तो हम ऐसे लेंगे ना ऐसे, या फिर तुम यहाँ खड़े हो ऐसे ऐसे, तो मेंढक थोड़ी हो, इंसान के बच्चे हो, ऐसे जंप करके तो जाओगे नहीं, तो अपनी मूवमेंट कैसे होगी, इफ दिस इज अ फ्लो दिस इज अ फीट विल मूव दिस वे, ऐसे हाँ ना, मतलब जब ये फीट ऐसे हो तो ये फ्लोर पे ऐसे एक्शन करेगा, हाँ ना, ऐसे नहीं, ये कौन है मैंडा, तो ये बन मैंडा, हाँ भाई जो फ्लोर पे ऐसे ये एक्शन जो करेगा, ठीक है, ये किसका, ये अपना तो है नहीं, अपन लोग कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, तो एक्शन ऐसे नहीं, एक्शन ऐसे, इसका रिएक्शन भी, हाँ क्लियर हुई बात। तो कहानी
है वो कुछ ऐसे होगी. सो दिस इज द फ्लो. ठीक. एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्शन. एक्शन बाय फ्लो. तो इस एक्शन का अपन लोगों को क्या मिला? रिएक्शन एट एन एंगल थीटा. और फिर हमने तो ये पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई भी फोर्स थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो इसके क्या होंगे कॉम्पोनेंट्स. दिस विल बी एफ आर कॉस थीटा और यहां से क्या होगा एफ आर साइन थीटा. एफ आर साइन थीटा है ना. और जहां हम हैं अभी हमारा वेट कैसे लग रहा होगा? ये चीज होगी. तुम्हें पता भी नहीं लगा कि जब तुम चलना शुरू करते हो तो तुम्हारे चलने में ये सब कुछ काम करता है. इस वजह से तुम चल पाते हो. ठीक है. अब क्या हो रहा है वहां पे? ये साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स बैलेंसेस द वेट जिसकी वजह से हम खड़े रहेंगे. ठीक है. ऐसा होता है स्टेप लिया और गिर पड़े. नहीं, चलना आ गया अच्छे से, स्टेप लेकर के फॉरवर्ड मोमेंटम क्रिएट हो जाता है आपका. गिरे तो नहीं ना, खड़े हुए प्रॉपरली. क्यों? क्योंकि आपके रिएक्शन का साइन थीटा कंपोनेंट वेट को क्या कर दे रहा है? बैलेंस. पहला पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ है ना. अब एफ आर कॉस थीटा अपन लोग कैसे जा रहे हैं? इधर की तरफ फ्रिक्शन कैसे लगेगा? ऐसे. तो एफ आर कॉस थीटा फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा और हेल्प करेगा हमारी आगे मूव करने में. आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट हेल्प्स अस इन द फिनोमिना ऑफ वॉटर. क्लियर हुआ? अब आओ क्वेश्चन. एक घोड़ा घोड़ा गाड़ी को खींच नहीं पाता, उस खाली जगह में केवल वही दौड़ता रहता. द हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन empty space. Hint is right here. तुम्हें इस एक्शन का रिएक्शन किस वजह से मिला? इस सरफेस के होने की वजह से. क्या एम्प्टी स्पेस है? नो, द सरफेस इज राइट. अगर ये एम्प्टी स्पेस हो जाए तो आप एक्शन करते रहो, क्या उसको कोई रिएक्शन मिलेगा? एक्शन रिएक्शन आर द टू इक्वल इन अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज. लिखा है ना थर्ड लॉ के अंदर कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोवाइडेड दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द टू. करिएगा. अब एक्शन करने के लिए तो है, रिएक्शन करने के लिए स्पेस है, जगह नहीं, तो क्या रिएक्शन मिलेगा? और ये सारा का सारा काम किसकी वजह से हो रहा है? रिएक्शन से. अगर ये रिएक्शन नहीं मिला तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? अपनी जगह पे खड़ा खड़ा क्या करता रहेगा? सिर्फ एक्शन फोर्स लगाता रहता है. आया समझ? तो जब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की बारी आएगी तो घोड़े की जगह अपने आप पुलक के साथ बनाना पड़ेगा. आया समझ? क्लियर हुआ? कैसे लिखेंगे? दैट इफ द स्पेस इज नॉट देयर वी विल नॉट हैव द रिएक्शन कॉम्पोनेंट. और अगर ये रिएक्शन कॉम्पोनेंट नहीं है तो एफ आर कॉस थीटा एफ आर साइन थीटा वर्कआउट नहीं करेंगे. द बॉडी विल कीप ऑन रनिंग एट दैट प्लेस. वो उसी जगह पर भागती रह जाएगी. समझ आया अच्छे से? कर पाओगे प्रॉपरली? चले आगे. तो ये तो नहीं हमारी पहली प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम शायद आप कर सके अच्छे से. पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड, बैठे हुए हैं. ठीक है. एकदम से जर्क मिला. पढ़ा था मिशू आप? ओके. आइए बेटा, इंपॉर्टेंट है. इज इट इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन टू पुश इट? करा है या नहीं करा? डायग्राम्स एंड ऑल सारा तो बताया था. इट इज इजी टू पुल देन टू पुश. पूरे डायग्राम्स एंड ऑल सारा तो वो पूरा करना पड़ेगा ना. कर पाए? देन अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग अ कैच. क्यों? क्योंकि व्हेन ही मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड दिस इंक्रीजेस
क्या करता है, इंपैक्ट टाइम को, सिंपल सी बात है, मान लो कभी कार्तिक अपनी जगह पर रिजिड रहता है, हिलता ही नहीं है, अगर मैं ऐसे ऐसे स्लैप करने के लिए लाता हूँ, ठीक है, और ये अपनी जगह से नहीं हिलता, एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति, जैसे ही इसने सेंस कर लिया कि अब ये यहाँ आ गया है, हाथ यहाँ आने वाला है, और ये अपना मुंह हल्का सा ऐसे कर लेता है, ठीक है, अपने फेस को हल्का सा ऐसे ट्विस्ट कर लेता है, पहले ही जस्ट दैट इंस्टेंट टच करने ही वाला था और इसने ऐसे कर लिया, टच तो अभी भी करेगा, पर क्या इम्पैक्ट अभी भी उतना होगा? क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट का टाइम बढ़ा, एंड हम जानते हैं इम्पल्स इज एफ डेल्टा टी, तो एफ विल बी व्हाट? इम्पल्स बाय डेल्टा टी, इम्पैक्ट टाइम बढ़ने की वजह से इम्पैक्ट फोर्स, ठीक है। तो क्रिकेटर के लिए जब वो कैच कर रहा है और अपने आप को यही लगता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंजरी के चांसेस आ, बट अगर वो कैच करते टाइम कभी भी देखना कैच डायरेक्टली हल्का सा क्या करता है पीछे, तो वो इंपैक्ट टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। इंपैक्ट टाइम बढ़ने की वजह से फोर्स क्या हो गया, एंड इट विल बी इजी टू होल्ड करता है। अगर हाथ में दर्द ज्यादा होगा तो कैच पकड़ भी नहीं पाएगा, पर अगर फोर्स कम लगा तो दर्द भी, एंड इट विल बी वेरी इजी यू कैन होल्ड द, समझ आया आपको? हो जाएगा, कोई लोचा तो नहीं। अब आइए वापस एनसीईआरटी में अपने पास बेटा। तो अभी जो हमने क्वेश्चन करे कहां से कहां तक कर लिए हमने, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के और कहां तक, वही तरह से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा, सभी लोग अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, बहुत सिंपल है, ध्यान से रीड करो। और पूछूंगा भाई देखो तुम लोगों से, पूरा क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। जो सामने हो देखो सिचुएशन क्या है, रिजिड सपोर्ट, स्प्रिंग, अ हैवी मास ऑब्जेक्ट, एंड हम इसे क्या करा रहे हैं, ऑसिलेट, ठीक। तो ये अभी जिस पोजीशन पर है, दिस इज नोन एज द मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन कहलाती है, इसकी मीन पोजीशन, और हम लोग इसे ऑसिलेट करा के कहां ले गए, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहां पर। ये कौन सी पोजीशन है इसकी, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का बेसिक मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या हुआ, एट हाईएस्ट पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट बन गया इसका, अगर हाईएस्ट पॉइंट पर है तो वहां इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मतलब बॉडी मस्ट बी momentarily at हायना। बिल्कुल ठीक उस दौरान तुमने रस्सी काट ली, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था ठीक उस समय तुमने रस्सी काट ली है, मतलब उस समय उस समय इस पर लगने वाला फोर्स जो है वो केवल कौन होगा, इसका अपना में, और कैसे लग रहा होगा, ऐसे वर्टिकली
तो अगर तुमने उसे कट करा कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो अपने वेट की वजह से वो सीधे कैसे गिरेगा, कैसा ट्रेजेक्ट्री, स्ट्रेट लाइन, कैसे ट्रेजेक्ट्री बनेगी। आई बात समझ में आ गई, पक्का क्लियर हुआ? रिपीटिंग, आप बॉडी को कहाँ लेके गए, ऐसे वाइब्रेट कराते हैं, ऐसे दिस इज द पोजीशन, आप उसे कहाँ ले, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे मोमेंटली कैसे होगी, रेस्ट पे। अगर मोमेंटली रेस्ट पे और उस साइन हमने इसका कॉन्टैक्ट हटा दो, तो इस पर जो ए होगा एक्सेलरेशन वो किसके बराबर होगा, जी, और वो कैसे एक्ट करेगा डाउनवर्ड, तो अपने वेट की वजह से कैसा रास्ता फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन। समझ आया? अब मजा आएगा अगली परिस्थिति में। अब हमारा जो स्ट्रिंग है, हमने यहां उस थ्रेड को कट नहीं करा, ये कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन, और अब ये वाइब्रेट करते हुए यहां आ रहा है, तो जरा सोचिए इस दौरान इसकी स्पीड क्या होगी। हमने थोड़ा मोशन इन वर्टिकल सर्कल, एट द हाईएस्ट पॉइंट अंडर रूट आर जी, एट द मिड पॉइंट अंडर रूट थ्री, एट द लोएस्ट पॉइंट अंडर रूट फाइव वन, सबसे ज्यादा है सबसे कम है, लोएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा। अब सोचो जहां स्पीड सबसे ज्यादा है, बिल्कुल ठीक इस मूवमेंट पे तुमने काट दिया, ठीक है, तो अभी इसके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपना कुछ मोमेंटम है या नहीं है, बताओ। अगर इसके पास इस दिशा में मोमेंटम है और कट कर दिया, तो अब ये प्रॉपरली ग्रेविटी की फील्ड में आ गया, एंड नो अदर फोर्स एंड ग्रेविटी विल एक्ट। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन सच अ वे दैट नो अदर फोर्स एंड ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द बॉडी, देन द बॉडी इज नोन एज व्हाट, प्रोजेक्टाइल। और उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा, उसका रास्ता कैसा होगा, तो अगर एक्सट्रीम पे काटा तो स्ट्रेट लाइन, और अगर मीन पे काटा तो कैसा, एक्सट्रीम पे काटा तो स्ट्रेट, क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम पर द बॉडी विल बी मोमेंटली एट रेस्ट, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू जी व्हिच ऑलवेज एक्ट्स इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दैट ड्यू टू वेट द बॉडी विल फॉल डाउन। रेस्ट पर थी इस वजह से ऐसा हुआ, जब तुमने उसको कहां काटा, मीन पोजीशन पे, रेस्ट पे नहीं है, तगड़ा मोमेंटम है उसके पास अपना, मींस द बॉडी इज इन मोशन, कट करते ही ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गई, नाउ नो अदर फोर्स देन ग्रेविटी विल एक्ट, और इस स्थिति में आप इस बॉडी को क्या नाम दे देंगे, प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल कैसा रास्ता फॉलो करेगा, तो इस सिचुएशन में होगा पैराबोलिक पाथ, और इस सिचुएशन में होगा स्ट्रेट। समझ आया, कर सकते हैं? सो द क्वेश्चन इज नॉट डिस्क्रिप्टिव, ये क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आइदर विल बी द स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू, और अदरवाइज रीजन अप्रोच अच्छी है क्वेश्चन की, सो विल बी इन रीजन और असम्पशन, ये ध्यान रखते हैं, क्लियर हुआ अच्छे से? नाउ प्रॉब्लम नंबर 11, अगेन बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़ेंगे, read it properly babu, parents aayenge le lenge kis kis ke, baki sab aas paas rehte sab chale jayenge ladke log humre safety ko jo एक ट्रक है जो कि चल रहा है, और उस ट्रक के ऊपर से हम लोगों ने 11वें सेकंड पे, दसवें सेकंड पे एक पत्थर को फेंक दिया, ठीक है,
तो वो हमसे पूछ रहा है कि 11वें सेकंड पे उसकी नेट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आया ना, एक चीज पूछी कैसे सुनो भाई बातें नहीं क्वेश्चन करने भाई, ये ले लिया आप लोगों ने सरफेस और ये रहा आप लोगों का ट्रक, ठीक। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विद व्हाट एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मान लो ये इस तरफ जा रहा है ऐसे करके, ठीक। और उसने अब हम लोगों से बोला एट 10 सेकेंड A stone is dropped by a person standing on the top of the truck. यहां से स्टोन को रिलीज कर दिया गया, ठीक है। इसकी एक वेलोसिटी तो इस दिशा में बढ़ी इस तरफ, और एक वेलोसिटी कैसे बनी, हाँ या ना, मानते हैं प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था हमने भाई, velocity must be along x axis and must be along y, हाँ या ना। So सबसे पहले हम बात करते हैं along y axis, vy is equal to uy plus ay, तो vy what is uy, 0 plus what is ay, कितने सेकंड पे कैलकुलेट करने के लिए बोला, 11। अरे 10वें पे तो छोड़ा है, निकालना कितने पे, तो समय हुआ ही कितना, 1 सेकंड, हाँ ना। पर 10वें पे छोड़ दिया, 11वें पे पूछ लिया कितने टाइम की गेम, 1 सेकंड। तो व्हाट इज वी बाय देन, 10 मीटर पर, हाँ ना, क्लियर हुई बात कार्तिक। तो बता V x कैसे निकालेगा, इट इज यू एक्स प्लस ए एक्स टी स्टार्ट्स फ्रॉम, तो तुम्हारा यू एक्स कितना, ए एक्स कितना, टाइम कितना, 10वें तक तो ट्रक पे है, जो ट्रक की होगी वही पत्थर की भी होगी, लगा दी तुम सर। तो व्हाट इज वी एक्स देन, 20 मीटर पर, एक्स और वाई दोनों कितने एंगल पर लग रही हैं, तो हम लोग यहां से वी नेट कितना लिखेंगे, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी अंडर रूट, व्हाट इज वी एक्स, 20 स्क्वायर, व्हाट इज वी वाई, 10 स्क्वायर, कितना बन गया, अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट, एंड दैट गिव्स यू 10√5 मीटर पर। बाबू प्रोजेक्टाइल चैप्टर जो हमने जो वेक्टर वाले चैप्टर पढ़ा उसमें प्रोजेक्टाइल टॉपिक पढ़ा, लीनियर प्रोजेक्टाइल में सबसे पहला हमने करा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फिर दूसरा हमने करा टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर तीसरा हमने करा हॉरिजॉन्टल रेंज, और चौथा हमने यही कर रखा है, चेक कर लेना मिल जाएगा। लॉज ऑफ मोशन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पिछला यूज नहीं होगा, क्योंकि जब तुमने उसे ट्रक पे से छोड़ दिया तो नो अदर फोर्स एंड ग्रेविटी मिला, एंड इफ नो अदर फोर्स एंड ग्रेविटी इज एक्टिंग तो किसकी प्रॉपर्टी होगी, तो कांसेप्ट किसका लगेगा, तो लिक्विड का ही लगेगा। आई बात समझ में आ रही है, समझ आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। सो और पहले हमने कहां तक कर लिए थे, 7 तक, तो कौन कौन सा बच गया हमारा, 8, 9 and 10। अब सुनो ध्यान से, कल वाली जो क्लास होगी उसमें ये तीन प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये तीन करेंगे, एंड अदर देन दीज थ्री
विल हैव फोर मोर प्रॉब्लम्स अदर देन एनसीईआरटी वाला इशू, चार प्रॉब्लम इस आप इसके बाद आपका ये लॉज ऑफ मोशन वाला डेड हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है आप लोगों की फ्राइडे वाली क्लास की। ठीक, अब सुनो ध्यान से।